जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और डेली मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। जी हां दोस्तों, आपको रोजाना मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। किसानों के लिए बड़ी व्यवस्था, MSP पर गेहूं बेचने में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में MSP पर खरीदी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 22 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश में अभी तक कुल 24 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके साथ ही MSP पर खरीदी के लिए सबसे पहले छोटे और मझले श्रेणी के किसानों की फसल खरीदी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में 135 लाख टन गेहूं खरीदी की तैयारी की गई है। वही क्षेत्र में खेती करने वाले बड़े किसान शुरुआत में 20% ही उपज बेच सकेंगे। इससे पहले संक्रमण को देखते हुए किसानों के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए खाद, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी करते हुए किसान मास्क लगाकर या गमछा से मुंह ढककर ही खरीदी केंद्र पर पहुँच पाएंगे और साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करते हुए फसलों की बिक्री करेंगे। वही फसलों की बिक्री के लिए केंद्रों पर सैनिटाइजर सहित अन्य चीजों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। जी हां दोस्तों, खरीदी केंद्रों पर किसानों को वाहन खड़ा करने के लिए खुला स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही गाइडलाइन का पालन करते हुए खरीदी करनी होगी। खरीदी केंद्र पर भीड़ न लगे इसका प्रबंध किया गया है। वही किसानों के उपज चनाई और साफ करने की व्यवस्था भी खरीदी केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। बारिश की स्थिति में किसानों की फसल को बचाने के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था खरीदी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बिजली, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी। बता दें कि 22 मार्च से इंदौर, उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी की शुरुआत की जाएगी, जबकि अन्य संभागों में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। जी हां दोस्तों, वही सबसे पहले छोटे और मझले श्रेणी के किसानों की फसलों को भुगतान किया जाएगा। भुगतान में देरी न हो इसके लिए सीधे उनके खातों में राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए पहले ही किसानों से उनके बैंक खाते, आधार नंबर सहित अन्य जानकारी दी गई है। वही किसानों को भुगतान होने या न होने की श्रेणी में सूचना SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, किसानों को बड़ी सुविधा देते हुए राज्य सरकार ने उपज बेचने के लिए 3 तारीख चुनकर बताने की बात कही है। सभी किसानों से रजिस्ट्रेशन के समय ही 3 तारीख पूछे गए हैं, जब किसान अपनी सुविधा अनुसार अपनी फसल बेचने केंद्र पर पहुंचेंगे। किसान अपने तय की गई तारीख पर ही खरीदी केंद्र पर अपनी फसल बेचने के लिए पहुंच पाएंगे। किसान उपार्जन या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी में किसी भी समस्या के लिए किसान टोल फ्री नंबर CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों को किसी तरह की समस्या न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 181 CM हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है। आज रात से लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमणों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में आज रात से टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने रविवार को लॉकडाउन को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं उसमें फल, सब्जी एवं दूध दुकानों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में लोग सुबह से ही राशन, दूध और सब्जियों खरीदने के लिए उमड़ पड़े। भोपाल में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन होगा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान सभी कलेक्टर और CMHO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालत को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने और जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आने वाली बसों को प्रदेश में घुसने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक पूरी सावधानियां बरतें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दी जाएगी, कोरोना से निपटने के लिए हर सावधानी आवश्यक है। प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे फेस मास्क के अनिवार्य उपयोग के साथ ही निर्धारित गाइडलाइन का पालन कर सहयोग करें। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य भी चल रहा है। राज्य सरकार अधिक संक्रमण वाले जिलों में वैक्सीनेशन कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसकी गति बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि त्रिआयामी प्रयासों के अंतर्गत सबसे पहले कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है। इसके बाद जिन जिलों में अधिक संक्रमण हो रहा है उन जिलों में वैक्सीनेशन कार्य को प्राथमिकता और जो नागरिक संक्रमित हो जाते हैं उनके समुचित उपचार के प्रबंध का कार्य शामिल है। राजधानी में सभी वार्डों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। होली से पहले किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम से एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया। गुरुवार शुक्रवार को हुई कई जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसने किसानों को टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है।
जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एमपी के जिन हिस्सों में ओलावृष्टि एवं बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है वहां के किसान चिंता न करें, सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही सर्वे प्रारंभ हो जाएगा तथा किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा। वही कहा कि बारिश के समय आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक घटना है, इससे बचाव के अनेक तरीके हैं। साधारण सी जानकारी हमें इस प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रख सकती है, जागरूक बने, सुरक्षित रहे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों को जैसा नुकसान हुआ है उन्हें आवश्यक राहत प्रदान की जाए, किसानों को हुए नुकसान की जानकारी लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी, संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के साथ ही राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है। क्षति के आकलन के बाद जहाँ जैसा नुकसान हुआ है उसके हिसाब से किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। किसानों को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा फैसला, जल्द तैयार होगा मूलक प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, किसानों को लेकर मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। कमल पटेल ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव कृषि अजित केसरी को हिदराई मूलक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा। पटेल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पहली बार चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए खरीदी केंद्रों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1085 कर दी गई। मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को भू जल स्तर में गिरावट के मद्देनजर भूमि संरक्षण कार्यों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जी हां दोस्तों, बता दें कि एमएसपी चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 22 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन का कार्य मार्ग फेट करेगा। चने का समर्थन मूल्य 5,100 रुपये, सरसों का एमएसपी 4,650 रुपये, मसूर का समर्थन 5,100 रुपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14,51,000 टन, मसूर का 1,37,000 टन और सरसों का 3,90,000 टन अनुमानित है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं उपार्जन कार्य शुरू किया जाएगा। अभी तक 24,58,000 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल होगा, गत वर्ष ये 1925 रुपये प्रति क्विंटल था। होली से पहले स्वसहायता समूह की महिलाओं के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती है। वही उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सीएम शिवराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वसहायता समूह के खातों में 200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। एक बार फिर से स्वसहायता समूह को संबल देने के लिए प्रत्येक महीने समूह के खातों में 150 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि महिला स्वसहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए और उनकी कार्यशैली को तीव्र करने के लिए अब 4% या 2% का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला स्वसहायता समूह को इस बार गेहूँ और अन्य फसल की खरीदी से भी जोड़ा जा रहा है। इसका सीधा सीधा लाभ महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्याह्न भोजन की सामग्री महिला स्वसहायता समूह से ही क्रय की जाएगी। वे इससे पहले नए सत्र के लिए शासकीय विद्यालय के पोशाक तैयार करने का कार्य भी महिला सांसद का समूह को दिया जाएगा, जबकि पंचायत स्तर पर होने वाले सर्वेक्षण मनरेगा के तहत 50% में 1 मेट महिला संस्था समूह के सदस्य को बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज दिन में मध्य प्रदेश के लिए महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना आवश्यक है और यही हमारा लक्ष्य भी है। प्रदेश भर में लागू होगा साजापुर मॉडल। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश में बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने और लिंगानुपात में संतुलन के लिए साजापुर मॉडल अब समूचे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। जिला कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों का नामकरण बेटियों के नाम किए जाने का अभिनव नवाचार अब सरकार पूरे प्रदेश में लागू